आप कुशवाहा है, मैं एक्चुअली मैं यूट्यूबर हूँ जी, और न्यूज़ जो है अपने बलजीत नगर पटेल नगर या पूरे दिल्ली के अंदर में मैं अपना न्यूज़ चैनल चलाता हूँ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर मैं दी और अभी से नहीं हूँ। मैं बच्चों को भी कि आप सोशल मीडिया पर रहिए, सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिससे कहीं ना कहीं आपके बच्चे का ग्रोथ भी होता है, लेकिन आपको उसके अंदर में देखना क्या ऑप्शन है। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके बच्चों के लिए ग्रोथ करने के लिए हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन बच्चों की हॉबीज होती है, यानी कि बात करने की या करने की कोई क्षमता होती है, या आप ये लगा लीजिए किसी एक्टिविटी में करते, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो एक कॉमेडियन एक्टर का हो। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे अलग अलग में जाएंगे। जिस बच्चे की जो हॉबीज है उसके ऊपर में आप अपना काम करेंगे, लेकिन पेरेंट्स का सिर्फ ख्याल इतना रखना है कि हमें किस तरफ चल रहा है, हमें किस तरफ अपने बच्चे का रुख जा रहा है, उसके हिसाब से हम अपने फोन को या अपने बच्चों को देते हैं। मैडम जी ने जिस तरीके से अभी पूरी बात समझाई है, मैं बड़े गौर से मैं देख रहा था, बड़े गौर से सुन भी रहा था। देखिए, एक तो बच्चे का इम्प्रेशन, यानी कि मैडम ने जिस इम्प्रेशन से आपको समझाया या बच्चों को लगा कि हमें मैडम ने कोई अगर अच्छा दी है या कुछ बात बोल रहे हैं, तो उसका एक महत्व है। उसका महत्व सिर्फ इतना ही है कि हमें अपने बच्चों के दिनचर्या में और अपने ही दिनचर्या में उसको लेकर सही रखना, उस चीज को ऐसा लेकर के आना है कि भविष्य में आने वाले समय के अंदर में आपके थ्रू आपके बच्चे का निखार हो। आपका बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो उससे आपका ही नहीं, पूरे खानदान का और पूरे समाज का, और जिस समाज के अंदर में हम रहते हैं उस समाज के अंदर में उसके व्यक्ति में जो भी उसके रिलेटिव में आए, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे एक कोई बड़ा हो, चाहे उसके पेरेंट्स हो, तो उनको ये समझ में आता है कि ये बच्चा जो है ये एक्टिव है और किसी न किसी जगह पे एक्टिव है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे का भविष्य भी बदल सकता है। और अगर जब वो बच्चा जब उस बच्चे को देखेगा समझेगा, तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चे के अंदर में भी वो चीज़ें उसके अंदर में भी आना चालू हो जाएंगी जो उसके कदम अच्छे हैं। तो आपको भी मतलब ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है बच्चों के अंदर में कि बेटा तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मैम, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरीके से जो आपने बताया और उस तरीके से समझाया। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर में आप लोग भी इस तरीके से अपने बच्चों को भी, अपने पेरेंट्स को भी, अपने घर के अंदर में भी जो है उनको समझाएं कि आपके बच्चों को किस तरीके से चलना है। गुस्सा नहीं होना, गुस्सा किसी भी चीज़ का इलाज नहीं, ठीक है। मैडम ने एक चीज़ और समझाई जो अभी आप लोगों के बीच में, कि किसी भी चीज़ का पोषण ढूंढने के लिए जो है बच्चा आगे क्यों जाता है, किसी और के पास क्यों जाता है, उसका सिर्फ मेन कारण ये है कि हम उसको किसी भी चीज़ के लिए अगर प्रेशराइज करते हैं, अगर हम उसको प्रेशर देते हैं, तो उसका हमें उसको बताना भी है कि हमने आपको क्यों इस तरीके का बोला या क्यों इस तरीके से आपको प्रेशराइज किया। क्योंकि हम पेरेंट्स हैं और हमारा महत्व, और बच्चे भी समझते हैं, हमें भी अपने बच्चों का महत्व समझना है। पेरेंट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको सिर्फ स्कूल के लिए तैयार किया और उसको टिफिन उसका दिया और उसको लंच बॉक्स दे दिया और बच्चा चला गया, उसके बैग में सामान है नहीं है, ये उनकी मदर का। अगर मदर है उनकी तो अच्छी बात है कि भाई मदर इसका ख्याल रखे। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं, फादर जो हैं, वो अधिकतर वो सुबह 7 बजे भी निकल जाते हैं जाने वाले, हो सकता बच्चों को ना छोड़ दिया, बच्चे खुद भी पैदल आते हैं, लेकिन उसी के अंदर में मदर को भी ध्यान देना पड़ेगा और जो उनके फादर हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों के ऊपर। कम से कम नहीं कुछ तो आप 1 घंटे का समय जो है, चाहे वो 7 से 8 बजे, अगर 5 बजे आप आते हैं तो 7 बजे तक कुछ समय रेस्ट कर लीजिए, लेकिन 7 बजे से लेकर के 8 बजे के अंदर में बच्चे को ध्यान रखिए कि बच्चा आपका किस तरफ जा रहा है। उसकी मम्मी से जो है बात कीजिए, वो भी आपको पूरे दिन का हाल बताएंगी कि बच्चे ने हमारे क्या किया है, क्या नहीं किया है, किस तरीके से चल रहे हैं। हम भी अपने बच्चों को इसी तरीके से चलाते हैं कि मेरी बड़ी लड़की है संजना है, 10th A में है और पढ़ने में ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम इसको प्रेशर नहीं देते। लेकिन प्रेशर अगर बच्चे लेते हैं तो उनको समझाना भी है कि हमें प्रेशर लेना भी नहीं है और प्रेशर हम पेरेंट्स को देना भी नहीं है। उनको इस तरीके से गाइड करना है कि बच्चे जो हैं वो आपकी बात के ऊपर में कभी झकझोर ना कर पाए, यानी कि आपको कभी जवाब ना दे पाए, तो हमें इसी तरीके से चलना है। अभी इसके अंदर में कौन कौन से बच्चे 10th क्लास के हैं, 10th के जो बच्चे हैं वो पहले हाथ खड़ा करो, 10th के हैं आप लोग, इस समय आप लोगों के ऊपर में प्रेशर होगा। मैम गलत तो नहीं कह रहा, 10th
एक ऐसी चीज है जो हम लोग पहली क्लास या नर्सरी क्लास से जब हम लोग पढ़ करके आते हैं तो टेंथ वो क्लास होती है जिस क्लास के अंदर में हमें अपने बच्चे का निचोड़ नजर आता है कि अपने बच्चे को किस तरीके की शिक्षा ग्रहण करवाई है, किस स्कूल के अंदर में हम लोगों ने उनका एडमिशन कराया और किस तरीके से बच्चे ने अपनी परवरिश करके खुद पढ़ाई करके ऐसा एक पिल्लर जो है जिसको बोलते हैं पिल्लर, दसवीं क्लास एक पिल्लर है आपके बच्चे का पूरे भविष्य का। तो दसवीं क्लास के अंदर में जिसके भी बच्चे हैं मैं उनको खास करके ये बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को ऊपर में खास करके ध्यान रखें। दसवीं क्लास के अंदर में बच्चा 15-16 साल के तकरीबन में हो जाता है, बच्चे का माइंड जो होता है वो थोड़ा सा सेटअप नहीं होता है लेकिन वो थोड़ा सा समझने की कोशिश, तो समझने की कोशिश में ही आपको जाना पड़ेगा। मैं इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँगा, बाकी आप लोग खुद भी समझदार है। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप लोग उनके बच्चों की जानकारी अपने पास में रखें और बच्चों के साथ में घुल मिल करके एक घंटा आप लोग नहीं दे सकते पूरे दिन में टाइम, लेकिन एक घंटा आप लोगों को देना है कि एक घंटे तक हम लोग कम से कम अपने बच्चों के बारे में विचार विमर्श करें। इसी के साथ